जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे, साथ में यह भी बताऊंगा कि फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल रिलायंस रिटेल के साथ डील होने वाला था वो डील अब कैंसिल हो गया है, क्यों कैंसिल हुआ है तथा अब आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा इसी कंपनी के इर्द गिर्द, कंपनी कैसी है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं, और अगर पहले से कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उन्हें लॉस हो रहा है तो अब आगे की रणनीति उनकी क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में हर एक सवाल का जवाब आपको आसान भाषा मिलेगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है और हम जानते हैं कि 1987 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी तथा यह फ्यूचर ग्रुप जो है उसी का एक पार्ट है। बेसिकली ये कंपनी ऑपरेट्स करता है भारत के जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जैसे बिग बाजार, FBB, फूड बाजार जैसे तमाम बड़े बड़े स्टोर्स को मैनेज करती है, उसको चलाने का काम करती है। देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप है 339 करोड़ रुपए, हालांकि है तो पेनी स्टॉक ही, लेकिन पेनी स्टॉक में थोड़ी ऊपरी लेवल की कंपनी है। शेयर प्राइस है 5.70 रुपया। शेयर प्राइस लगातार कई दिनों से डाउन जा रहा है। बेसिकली एक माह पहले जब यह डिफॉल्ट हुआ था, PNB का 294 करोड़ का लोन नहीं चुका पाया था, उसके बाद से ही देखेंगे तो शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है और हाई लगा चुका है 14 रुपये का तथा यह हाई लगाया था पिछले ही साल जून में। अब समझिए पिछले ही साल का यह हाई लगाया हुआ है सिर्फ 14 रुपये का और अभी तक इसका प्राइस 14 रुपये के आसपास तक नहीं पहुँच पाया। ऐसा नहीं है कि पहुँचने का कोशिश नहीं किया, वहाँ तक जा ही नहीं पाता है। यहाँ तक हाई लगाने के बाद शेयर प्राइस डाउन जाने लगा और गया 8.5 रुपये तक। 8.5 रुपये तक जाने के बाद इस स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करने लगा और आप देखेंगे तो अगस्त से लेकर मार्च तक इस कंपनी का शेयर प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में रहा। फाइनली जब 14 मार्च को कंसोलिडेशन से बाहर निकला तो उसके बाद यह और डाउन जाने लगा। जबकि होता यह है कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनका शेयर प्राइस जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो ऊपर जाता है, लेकिन इसका और नीचे जाने लगा और अभी भी देखेंगे तो नीचे ही जा रहा है। अब यहां समझिए अपडेट यह है जो मैंने आपको बताया कि रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप का करार होने वाला था और यह डील थी लगभग 24,713 करोड़ रुपए की। समझिए इतना हैवी अमाउंट का डील कैंसिल हो गया है। यहाँ पहले समझिए इस डील में होने वाला ये था कि रिलायंस रिटेल जैसे फ्यूचर बाजार ग्रुप जो है बड़े बड़े स्टोर्स पर अपना कब्जा जमा के, कब्जा नहीं कहेंगे, उसको ऑपरेट्स करने का काम करता है। लेकिन जब यह डील हो जाता तो रिलायंस रिटेल जो है 250 से 300 इसके स्टोर्स पर रिलायंस रिटेल का कब्जा हो जाता और रिलायंस रिटेल उसको अपने मनपसंद से ऑपरेट करता, उसको चलाता। लेकिन ये बात जो है फ्यूचर ग्रुप के जो बड़े बड़े कर्जदाता हैं, मतलब जो सुरक्षित कर्जदाता हैं जो समय समय पर इसको लोन देते हैं, पैसा देते हैं फ्यूचर ग्रुप को, उन लोगों को यह डील पसंद नहीं आया और उन लोगों ने कहा कि नहीं, यह सौदा रिलायंस रिटेल के साथ नहीं होगा। हालांकि बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि रिलायंस रिटेल ने खुद से कैंसिल कर दिया है। अगर रिलायंस को अगर अपने आप कैंसिल करना रहता तो रिलायंस रिटेल पहले से ही यह डील तय नहीं करता। लेकिन यहाँ जो मेन समस्या है इस डील को कैंसिल होने का लेकर, वो फ्यूचर ग्रुप के जो क्रेडिटर्स हैं, जो कर्ज देने वाले लोग हैं उनसे, उनको है, उन लोगों को यह सौदा पसंद नहीं था इसलिए यह डील कैंसिल हुआ है। अब समझिए आगे क्या हो सकता है। तो अभी तो कुछ दिनों तक माहौल ऐसे ही चलते रहेगा, चूँकि एक निगेटिव खबर की तरह है तो फ्यूचर ग्रुप की जितनी कंपनियाँ हैं उस पर इसका असर पड़ेगा और स्टॉक का प्राइस तभी नीचे जाएगा। लेकिन अगर इस कंपनी का पार्टिकुलर इस कंपनी की बात करें, अगर इसका फंडामेंटल अच्छा होगा, बिजनेस मॉडल तो ठीक है, बिजनेस मॉडल कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर फंडामेंटल अच्छा होगा तो शेयर प्राइस भले तत्कालिक कारण से नीचे जा रहा है लेकिन आने वाला समय में ऊपर जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसका फंडामेंटल देखते हैं। तो जो फ्यूचर इंटरप्राइजेस का फंडामेंटल, इसको 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी है कर्ज और रिजर्व को लेकर। देखिए इसके पास कर्जा है 4,358 करोड़ रुपये का, बहुत हैवी अमाउंट कर्ज है। देखिए इसका मार्केट कैप है सिर्फ 339 करोड़ का और कर्जा है 4,358 करोड़ रुपये का, और रिजर्व देखेंगे तो सिर्फ 2,226 करोड़ है, यानी कि रिजर्व बहुत कम है और कर्जा अधिक है। तो यह एक निगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके पास अभी तो Q4 के नतीजे नहीं आए हैं, Q3 तक की बात करें तो देखिए Q3 में इसका जो रेवेन्यू है, Q2 में रेवेन्यू हुआ था 707 करोड़ का, जो Q3 में कम होकर आ गया 618 करोड़ का, यानी कि सेल्स में कमी आया है। और प्रॉफिट की बात करें तो जब सेल्स में कमी हुआ है तो प्रॉफिट भी कम ही होगा। तो देखिए Q2 में 271 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था जो कि Q3 में कम होकर आ गया 270 करोड़ का। तो यह पॉइंट भी निगेटिव हो गया, अभी तक दो पॉइंट निगेटिव हो गए। तीसरा पॉइंट आता है बुक वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी का। तो देखेंगे इस कंपनी का बुक वैल्यू 51 रुपया, बुक वैल्यू काफ़ी शानदार है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है दोनों निगेटिव है। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में उस स्टॉक पर साल भर में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, यह कंपनी कुछ कमा के नहीं देगी। लेकिन इसका बुक वैल्यू 51 रुपये है जो काफ़ी अधिक है, अगर कल को कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से रुपये लौटा दिए जाएंगे, इसलिए इस एक पॉइंट को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अभी तक दो पॉइंट निगेटिव है और एक पॉइंट पॉजिटिव हुआ। चौथा जो फंडामेंटल का पार्ट होता है वो होता है होल्डिंग पैटर्न। देखिए इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है लगभग 17% के आसपास, लेकिन प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे सेल करते जा रहे हैं। इसमें FII वालों की हिस्सेदारी है सिर्फ 0.19%, लेकिन हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको DII बोलते हैं, इनकी हिस्सेदारी है 0.57%। और देखेंगे तो ये भी अपना स्टेक धीरे धीरे कम कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है जब ये लोग गायब हो रहे हैं तो पब्लिक को भी धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए। पब्लिक की हिस्सेदारी अभी 82.21% के आसपास है। देखिए ये जो स्टॉक है अभी मान के चलिए कि निकट भविष्य में आपको कमा कर देने वाला है नहीं, मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी लेकिन ये सच है। तो यह पॉइंट भी निगेटिव है, तो मैंने फंडामेंटल के 4 पॉइंट बताए आपको जिसमें से 3 निगेटिव और एक सिर्फ 1 पॉजिटिव है, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो ज़्यादातर निगेटिव चीज़ है फंडामेंटल का, इसका मतलब फंडामेंटल काफ़ी अच्छा नहीं है, बैड है। आप देखेंगे तो कंपनी ने 1 सप्ताह में कुछ कमा के नहीं दिया है, 1 माह में भी कुछ कमा के नहीं दिया, और यहाँ तक कि साल भर का इसका रिटर्न भी है लगभग 34% के आसपास, वो भी निगेटिव में है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सिर्फ ठीक होने से काम नहीं चलता, फंडामेंटल भी अच्छा होनी चाहिए। तो इस कंपनी में जो अच्छाई थी, जो बुराई थी, जो समस्याएं थी, सब मैंने आपको बता दी। अब आप इन सबके आधार पर अपना आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आपको इसमें बने रहना है कि निकल जाना है। आपको जो ठीक लगे कीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं सबको समय देकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ, उनको समझाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।